बिहार में एंटीजन जांच रिपोर्ट फेल। मधुबनी में 30 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने के बाद आरटीपीसीआर में सभी निगेटिव निकले। अब जांच के लिए हैदराबाद भेजी जाएगी किट। शिवहर में मुखिया प्रत्याशी के बेटे की गोली मारकर हत्या। सुबह धान के खेत में पड़ी मिली युवक की लाश। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में वारदात की आशंका। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट। पटना के नौबतपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चे समेत 5 झुलसे। अस्पताल में भर्ती सभी की हालत गंभीर। एमटेक इंजीनियर बना साइबर अपराधी। हरियाणा से बघा पहुंची पुलिस। होमगार्ड जवान ने बेटे को इंजीनियर बनाया। प्राइवेट जॉब छोड़ बना साइबर अपराधी। 1,30,00,000 के फर्जीवाड़ा का आरोप। बेतिया में भी एक्टिव मोड में पुलिस प्रशासन। रेलवे ट्रैक से लेकर पुल पुलिया तक हर जगह अलर्ट। पूर्व मध्य रेल के मंडल सुरक्षा आयुक्त समस्तीपुर ने एसपी को भेजा पत्र। मुजफ्फरपुर में युवती का अपहरण। 1 सप्ताह पहले घर से खरीदारी करने के लिए बाजार गई थी, अब तक नहीं लौटी। बेटी के बारे में पूछा तो आरोपी ने दी हत्या की धमकी। सिवान में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी ठोकर। गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर। छानबीन में जुटी पुलिस। पत्नी के लिए वोट मांगने वाला हार्डकोर नक्सली धराया। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव में पत्नी के लिए मांग रहा था वोट। गांव में घेराबंदी कर एसटीएफ ने पकड़ा। पूर्व मुखिया हत्याकांड में था वांटेड। पटना हाई कोर्ट में 27 सितंबर से फिजिकल सुनवाई। हफ्ते में 4 दिन फिजिकल, 1 दिन वर्चुअल सुनवाई करेगा कोर्ट। संक्रमण दोबारा फैला तो चीफ जस्टिस लेंगे फैसला। आरक्षण के पक्ष में बीजेपी। सुशील मोदी ने कहा भाजपा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विरोध में। एससी/एसटी के प्रमोशन में क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में नहीं पार्टी। पंचायत चुनाव का एक घोषणा पत्र ऐसा भी। पूर्व शराब कारोबारी ने शराबबंदी के बाद ठोका मुखिया पद के लिए ताल। कहा प्रत्येक लड़की की शादी में 5,001 रुपए की मदद। फ्री में देंगे कंप्यूटर एजुकेशन। जेपी के बाद गांधी किशन में तेज प्रताप। दिल्ली में गांधी स्मृति समारण्यालय पहुंचे तेज प्रताप। बोले बापू की जीवनी बहुत ही ज्ञानवान और ऊर्जावान है। पीएमसीएच से कैदी फरार। नाबालिग के अपहरण में सिवान जेल में बंद आरोपी को पीएमसीएच में कराया गया था भर्ती। बहाना बनाकर वह टाटा वार्ड से भाग निकला। मधुबनी में नहीं हुआ कोरोना विस्फोट। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर दी सफाई। सीएम ने कहा यदि ऐसी स्थिति होती तो हालत काफी खराब हो जाती। चाची और भतीजे के बीच होगी चुनावी टक्कर। पिता की मौत के बाद बेटे ने जिला परिषद के लिए भरा नामांकन। इधर चाची पहले से मैदान में है, टक्कर देने को तैयार।